क्या हुआ, रुक क्यों गए? हमारी गाड़ी के पास बैठकर कोई खाना खा रहा है। हाँ तो चला जाएगा, चले। इसको पहले खाना खा लेने दो ना। और वैसे भी यार, किसी ने कहा है ना कि खाना खाते वक्त ना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों, तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है वो? वैसे भी वो भिखारी है, इनका तो काम ही यही होता है। अमीरों की गाड़ी देखी नहीं कि आकर बैठ जाते हैं ताकि कुछ पैसे मिल जाए। मुस्कान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और क्या हो गया तुम्हें? यार 5-7 मिनट में खाना खाकर चला जाएगा, और अगर हम 10 मिनट वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी तुमने रेडी होने में 1 घंटा लगा दिया ना। मैंने तुम्हें उस टाइम कुछ नहीं बोला था ना, तब तुम कुछ मत बोलो, समझ में आ गई? 10 मिनट लेट क्यों, जाने की भी क्या जरूरत है? जाते ही नहीं है, रुक जाते हैं। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम ना एक भिखारी के चक्कर में ना मुझसे लड़ रहे हो। लड़ मैं नहीं रहा यार, लड़ तुम रही हो मुझसे। ठीक है, मैं ही गलत हूँ। अब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, जब मन करेगा गाड़ी चला देना। लो, चला गया हूँ, चलो। क्यों, चलना क्यों है? 10 मिनट और रुक जाओ यहीं पर। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम रुक कर नहीं दे रही थी, अब तुम चल कर नहीं दे रही हो। मेरी प्रॉब्लम ना तुम हो, जो अपने से ज्यादा दूसरों की सोचते हो। सोचना पड़ता है मुस्कान, कभी कभार दूसरों के ही बारे में सोचना पड़ता है। चलो अब चल कर बैठो। वैसे मुंह बनाकर जाओगी क्या पार्टी में? जैसा भी है ऐसा ही है, अगर नहीं पसंद तो किसी और को ले जाओ। अरे भाई यार, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं सॉरी बोलता हूँ ना, I'm so sorry, मान भी जाओ ना। ठीक है चलो। एक मिनट। हेलो। हेलो सागर, कहाँ है तू? हाँ भाई, बस निकल गया हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ। तू ठीक तो है ना यार? मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? वो भाई तुम्हारे घर से निकलते ही जो फ्लाईओवर है ना, वो गिर गया, बहुत से लोगों की मौत हो गई। तू भी वहीं से आता तो इसलिए पूछा बस। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक है मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। सही रहा भाई, तू लेट निकला, 5 मिनट पहले निकलता तो शायद कुछ और ही हो जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आ जा भाई, आराम से आ जा यार। ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? एक्चुअली जिस फ्लाईओवर से भी हम जाने वाले थे ना, वो गिर गया और बहुत से लोगों की मौत हुई है। कब? बस अभी 5-7 मिनट पहले। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम दोनों को बचा लिया। ठीक कहा तुमने, आज हम लोगों को भगवान ने बचाया। और वो जो बाहर भिखारी बैठा था ना, वो एक भगवान का रूप थे। मतलब ये कि अगर वो भिखारी हमारी गाड़ी के बाहर बैठकर खाना नहीं खा रहे होते तो शायद हम लेट ना होते। तो इसलिए वो जान पूछ कर हमारी गाड़ी के बाहर बैठकर खाना खा रहे थे, जिससे हम उस दुर्घटना से बच सके। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या हुआ यार? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ गए। भगवान का रूप था ना, इसलिए चले गए, वो भी हमें एक नई जिंदगी देके। वैसे भी अब समझ में आ गया है कि हमें सबके साथ प्यार से और अच्छे से बात करनी चाहिए, सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और वैसे भी जिसने भी ये कहावत कही है ना, बिल्कुल ठीक कही है कि किसे पता नारायण कब किस रूप में आकर मिल जाए। ठीक कहा तुमने, चलो चलते हैं।